हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में तो किंगडम प्रोटेस्टा में सभी सिंगल सेल्ड यू को किंगडम प्रोटेस्टा में रखा गया है लेकिन किंगडम प्रोटेस्टा की जो बाउंड्री है वो वेल well डिफाइंड नहीं है कोई एक बायोलॉजिस्ट इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टियन कहता है तो वहीं दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक प्लांट हो सकते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो किंगडम प्रोटेस्टा में थ्री टाइप के प्रोटेस्ट आते हैं पहला है फ्रेंड फोटोसेंथेटिक प्रोटिस्ट दूसरा बात करें तो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एंड थर्ड हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट ठीक है अगर हम बात करें फोटोसेंथेटिक प्रोटिस्ट में तो कौन कौन से आते हैं क्राइसोफाइट्स डाइनोफ्लेजिट्स यूग्लिन ये क्या है, है फ्रेंड फोटोसेंथेटिक प्रोटेस्ट फोटोसेंथेटिक मीनस आटोट्रॉप्स uh, जो अपना फूड खुर्द सिंथेसाइज करते हैं बात करें सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में कौन आते हैं स्लाई मोड्स आते हैं और कंज्यूमर प्रोटिस्ट या हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन से आते हैं तो सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं फ्रेंड हेट्रोट्रॉप्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स मीन्स जो अपना फूड खुद नहीं सिंथेसाइज करते हैं खुद नहीं बनाते हैं मेम्बर्स जो होते हैं प्रोटिस्टा है के वो प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं जल में पाए जाते हैं अगर बात करें ये जो लिंक है किंगडम प्रोटिस्टा जो फ्रेंड है ये तीन प्लांट्स एनिमल्स और फंजे तीनों के साथ लिंक बनाता है अगर बात करें मैंने क्या कहा यह जो किरणम प्रोटिस्टा है ये प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई के साथ लिंक बनाता है ठीक है बात करें बींग यू कैरियर यू कैरियर्स होने के नाते प्रोटिस्टियन सेल बॉडी में क्या होते हैं फ्रेंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और इनमें क्या होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ठीक है तो मैंने क्या बताया कि इनकी सेल में एक सॉरी इनकी सेल में क्या होते फ्रेंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेमब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ में फ्लैजला या सीलिया पाया जाता है ठीक है जो प्रोटिस्ट होते हैं फ्रेंड ये में ए सेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है सेल फ्यूजन होता है सेल फ्यूजन और जैकोट का फॉर्मेशन होता है ठीक है फ्रेंड्स ये किसके बारे में था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में फ्रेंड तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम, हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू